सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन, दीप हर्तो मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या
कर्मावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ मंगलं पुत्रिकाक्षय सर्वमंगलाय तन्नो हरि स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं सो है पिता तेरी लाज हरी हरी ओ बोले कृष्ण भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय माँ मेरी सच्चियाँ ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय हर हर महादेव जय श्री राम साथियों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव मंदिर के हिस्सों के ऊपर। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा हम प्रतिवर्ष चैत्र माह के जो पहला दिवस होता है नवरात्रे का उस पे हमारा नववर्ष होता है हिंदुओं का नववर्ष जो कि विक्रम संवत 2080 है आज का जो 2023 में जो दिनांक आज का जो देसी दिनांक है जो विक्रम संवत 2080 का आज नववर्ष है। तो आज हमारे यहाँ पर साथियों ने मिलजुल कर कुछ कार्यक्रम किया। हम कार्यक्रम ऐसा करते हैं कि अपने मंदिर के ऊपर या छत के ऊपर एक ध्वज भगवा ध्वज हम फहराते हैं जो कि हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है। जैसे कि हमारे शायकार बंधु आपको बताते हैं सामने ये जो चीज़ों को हमने प्रयोग किया सबसे ऊपर हमने एक कलश रखा होता है। कलश के ऊपर हम कुमकुम से स्वास्तिक बनाते हैं और एक ध्वज बनाते हैं, इस आकार का ध्वज बनाते हैं। हमारे भैया जी जो नरेंद्र शर्मा जी आपको बता रहे होंगे इस प्रकार का ध्वज बना के हम अपने छत के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर हम अशोक के पत्थर लगाते हैं और फूल आदि लगाते हैं। ये अशोक का पत्र है जो ये स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इसके नीचे से अगर गुजरना हो जैसे आप देखते हो कि तोरण बनाते हैं हम दीपावली के निमित्त हम तोरण बनाते हैं उसके ऊपर भी हम अशोक के पत्थर लगाते हैं। ये हमारे पूरे वर्ष भर आरोग्य प्रदान करते हैं और हमारे संस्कृति का ये प्रतीक भी है और लाल ये झंडा ये भी हमारे संस्कृति का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे सनातनी भाई हैं उनके जो हम उनसे कहते थे कि आप जो दूसरा नववर्ष मनाते हैं जैसे 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं मनाओ हम आपका कोई विरोध नहीं करते परंतु अपनी संस्कृति का भी पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा जो नववर्ष वो कब आता है। जैसे कि हमारे और भी कोई शुभ कार्य होते हैं जैसे होली दिवाली जन्माष्टमी वो देखिए आप एक तिथि के ऊपर नहीं आते वो अलग अलग तिथि पर देखो तिथि क्या हमारी देसी तिथि के ऊपर ही होते हैं। और भी हम अपने घर में जो कार्यक्रम पूजा पाठ विवाह शादी वर्षगांठ जो भी कुछ होता है हमारे चौवर्ष वगैरह वो भी हम देसी निमित्त देसी तिथि के ऊपर ही चलाते हैं। हमारा ये आग्रह है कि आप भी देसी जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसकी देसी जो महीना होता है उसके ऊपर चला कर चला तो क्या करें वो भी एक निमित्त बन चुका है कि हमारे अंग्रेजी में चलने के लिए। परंतु जो भी शुभ कार्य होते हैं वो भी आप देसी कार्य के ऊपर जैसे ये हम नववर्ष मनाते हैं ऐसा ही आप नया करें। ये सिर्फ सीधा सीधा याद रखने वाली बात यह है कि चैत्र नवरात्रि जो इस साल में चैत्र नवरात्रि आते हैं शुभ दिन पहला जो होता है उस दिन हमारा नववर्ष होता है। तो आप सभी अपने ये घर के ऊपर ये ध्वज जरूर लगाएं और नववर्ष मनाएं। जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू संस्कृति हमारी हमारा सनातन धर्म जो करोड़ों साल पुराना सनातन धर्म है वो फलता फूलता रहे उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम हर वर्ष ये अपना ध्वज जो है लगाते हैं। और मैं एक बार फिर आप सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।